भी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर देखा उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर देखें। तीन स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता, तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है तो मैं क्या वर्णन करूं उसको, क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया आ नहीं रहा है तो प्रयास करना, तीन स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा दे, बहुत ध्यान लगाइए। पहला अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन, रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव, शिव जी की पांच लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की छठे नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश षडानंद कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज, ये बेलपत्र की जो डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए, ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के तो उसका स्मरण कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है, आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए, ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो, आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो,
कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये तीन रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार 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 बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जा और निवेदन सब भावों से करना, हृदय चित्त आनंद।